एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ASUS TUF 3080 Ti का एक कंप्लीट पीसी बिल्ड। और ये कैबिनेट आपको कुछ अलग दिख रहा रहेगा, ये काइंड ऑफ को उल्टा पीसी बिल्ड दिखता रहेगा। इसके बारे में भी जानेंगे, कैबिनेट है क्या, कैबिनेट एक नया टाइप का कैबिनेट है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो अदनान सर कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मस्त सर। तो पूछना चाहूंगा कि आपके व्यूअर्स कैसे हैं, कमेंट डाउन आप कैसे हो सर? सब लोग मस्त है सर। तो अभी चालू करते हैं। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ पूरा पीसी बिल्ड भी काइंड ऑफ उल्टा दिख रहा है मुझे, तो ये इसका क्या एक स्पेशलिटी है? देखिए, अब बात करूंगा मैं इस पीसी बिल्ड की। तो ये पीसी बिल्ड काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये उल्टा रखा हूँ, ये उल्टा है एक्चुअली, बट दिस इज इनफेमस लेनी का O11 डायनेमिक ईवो कैबिनेट जो उल्टा रखने के लिए ही बनाया है। देयर आर टू मोड्स, वन विच इज नॉर्मल मोड जो काफी लोगों को पता होगा, बट वन विच इज रिवर्स मोड। तो अब ये रिवर्स मोड इतना खास क्यों है और क्यों लोग ये रिवर्स मोड में बनाना चाहते हैं उस बारे में मैं बताऊंगा। तो हमारा बेसिकली क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था, उन्हें एक कुछ हटके पीसी चाहिए था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि लियनली O11 डायनेमिक। बट द थिंग इज क्लाइंट हैड वन ड्रॉबैक कि उनका जो टेबल ऑलरेडी प्री माउंटेड मॉनिटर्स है जो राइट साइड पे है, बट उनके पास जो पीसी रखने की जगह है उनके पास लेफ्ट साइड पे, तो जो पीसी का जो व्यू है उनको दिख नहीं पाएगा। एंड विच इज वाई लियनली O11 डायनेमिक ईवो कम्स इन पिक्चर, जहां पर आप उसको रिवर्स मोड में यूज कर सकते हो और आपका पीसी का ग्लांस ले सकते हो। तो सर हम लोग ने ये कंप्लीट पीसी बिल्ड में अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए, क्योंकि पीसी जो दिख रहा है ये कोई सादा सुधा पीसी नहीं है, नॉर्मल पीसी में आता ही नहीं है, ये लैक प्लस का ही पीसी बिल्ड है। तो हम लोग ने इसमें अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? देखिए, आप जैसा बताना मैं चाहूंगा, आप सभी को पता है क्या चल रहा है, तो पीसी इंडस्ट्री में इंटेल चल रहा है, तो हमने इस पीसी में यूज किया है इंटेल कोर i7-12700K जो कि अनलॉक प्रोसेसर है, 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। तो ये आप देख सकते हो इंटेल कोर i7-12700K, इसका प्राइस आपको पड़ेगा 35,500। अब इसी को पेयर करने के लिए आपको एक अच्छा मदरबोर्ड चाहिए, बिकॉज काफी पावरफुल प्रोसेसर है ये, तो इसको पेयर करने के लिए हमने यूज किया है रिलायबल एंड काफी अच्छा ब्रांड जो है ASUS Z690 टफ प्लस वाईफाई DDR4 मदरबोर्ड। अब टफ हमने इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज आप देख सकते हो GPU भी टफ सीरीज का है, तो बेसिकली एक थीम हो जाता है इसमें, अगर आप ROG लेते हो प्लस ROG का ग्राफिक कार्ड तो एक थीम बन जाता है। फिर बात करूंगा मैं आपको स्टोरेज की, तो स्टोरेज में हमने यूज किया है Aorus का Gen 4 2TB M.2 NVMe SSD, तो ये उनकी प्राइमरी ड्राइव है, 2TB का स्टोरेज है। सेकेंडरी ड्राइव के लिए हमने यूज किया है सैमसंग का 870 QVO 2TB, वो भी उनका सेकेंडरी ड्राइव होगा एट। तो उसका प्राइस अगर मैं बताऊं, आई गेस मैं प्राइस भूल गया हूँ मदरबोर्ड का, तो मदरबोर्ड का प्राइस मैं बता देता हूँ जो है 25,500 एंड इस SSD का कॉस्ट है आपको 23,500 एंड सैमसंग का जो 870 QVO 2TB है उसका प्राइस आपको पड़ता है 17,000। फिर बात करूंगा मैं रैम जो यूज किया है हमने, वो है टीम ग्रुप की T-Force डेल्टा RGB 32GB 16x2 3600 MHz का किट, तो ये हमने यूज किया है, इसका प्राइस आपको पड़ता है 13,500। फिर बात करूंगा मैं कूलिंग की, तो कूलिंग के लिए काफी लोग सेलेक्ट करते हैं, काफी बजट कूलर सेलेक्ट करते हैं फॉर i7 प्रोसेसर लाइक i7 एंड i9, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप EKAIO 360 ले सकते हो, काफी अच्छा कूलर है ये। कूलर में आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी बाकी ब्रांड्स के जो कूलर है उसमें परफॉर्मेंस आप नहीं देख पाओगे जो बजट में आते हैं। तो इस कूलर का प्राइस मैं जो आपको बताऊंगा ये इसका प्राइस है 13,500, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा ऊपर की रेंज में आता है अपर क्रांच, बट आपको परफॉर्मेंस भी इसमें काफी अच्छा मिलता है, कूलिंग भी काफी अच्छी मिलती है। फिर उसमें मैं बात करूंगा आपको पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई में हमने यूज किया है कूलर मास्टर का 1050W 80+ गोल्ड फुली मॉड्यूलर। 1050W यूज करने की इसके लिए हमें जरूरत पड़ी बिकॉज आपको भी पता होगा जैसे कि 3000 जो कार्ड्स होते हैं 3000 सीरीज के उसमें काफी पावर स्पाइक्स होते हैं, काफी अनकंसिस्टेंट पावर ड्रॉ होता है, तो विच इज वाई 1000W इज सफिशियंट एंड 1000W हमने इसके लिए यूज किया बिकॉज अगर कभी भी पावर स्पाइक्स भी होता है तो सिस्टम शट डाउन या सिस्टम को हार्म होने की कोई इश्यू नहीं होगा। प्लस कभी भी अगर कस्टमर को रैम्स बढ़ाना रहेगा वो भी कस्टमर कुछ भी बढ़ा सकता है, अगर कस्टमर आगे जाके यही पीसी को i9 प्लस 3090 Ti भी करता है तो ये पावर सप्लाई उसको सफिशियंट होगा। एंड एज जिसमें 10 साल की वारंटी आती है 10 ईयर्स की वारंटी आती है तो ये आगे 10 ईयर्स तक जितने भी अपग्रेड करते हैं उनको इसी पावर सप्लाई में इनफ हो जाएगा। फिर बात करूंगा मैं उसके प्राइस की, का प्राइस आपको पड़ता है 16,000। तो आपको डेली अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ezpzsolutions.in, इससे पहले भी ओमकार भाई ने हमारे लिए वीडियो किया था तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके डेली अपडेट्स ले सकते हैं प्राइसेस का। तो बात करूंगा मैं GPU की, तो GPU में हमने यूज किया है ASUS TUF Gaming RTX 3080 Ti 12GB, ये जो ग्राफिक्स कार्ड है मतलब गेमिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो, आपका रेंडरिंग का काम है, आपका प्रोफेशनल वर्क है, आप उसके लिए यूज कर सकते हो, काफी पावरफुल कार्ड है एंड इसका प्राइस है 1,30,000। ये
130,000 सिर्फ बिल्ड के साथ है। अगर आप विदाउट बिल्ड लेते हो तो आपको अराउंड 135,000 तक ही पड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें जितने भी फैंस यूज किए वो हमने प्रीवियस वीडियो में काफी बार बताया है। हमारा इन हाउस ब्रांड है जो कि है फ्रॉस्टेक। तो फ्रॉस्टेक का हमने यूज किया है FS120A ARGB व्हाइट PWM फैंस, प्योर व्हाइट फैंस है। तो बेसिकली एक बिल्ड का थीम बन जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक का थीम है। फिर बात करूंगा मैं कस्टम स्लीव केबल्स की। तो कस्टम स्लीव केबल्स में हमने यूज किया है सेंसे मॉड्स के कस्टम स्लीव केबल्स। ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, अराउंड 3500 रुपीस का सेट आता है। तो ये जो सेंसे मॉड्स के हम लोग ने स्लीव्स लगाए हैं उससे, और हम लोग देख रहे हैं कि आपने GPU का एक्सटर्नल माउंटिंग किया, मतलब वर्टिकल GPU माउंटिंग के लिए आपने एक्सटर्नल वायरिंग किया है उसमें। तो ये अगर हम लोग जब भी लगाते हैं तो उसमें पावर का या फिर परफॉर्मेंस का कुछ फर्क पड़ता है? अब एज पर लियान लीज क्लेम कि अगर आप वर्टिकली आपका GPU लगाते हो तो देर आर फ्यू GPUs जिसमें वर्टिकल लगाने में आपको इश्यूज होगा ऑन द नॉर्मल मोड। बट रिजर्व मोड में आप जैसे रिवर्स मोड जो होता है, रिवर्स मोड में आपको ये परफॉर्मेंस की कोई इश्यू नहीं आएगा बिकॉज एयर फ्लो भी प्रॉपर है। ग्राफिक कार्ड अगर आप देखते हो तो इससे मैंने कनेक्ट किया हूँ 16x स्लॉट पे। ये जो राइजर केबल है जो यूज किया गया इसमें PCIe Gen 4 का राइजर केबल है, तो आपको कोई भी टाइप का परफॉर्मेंस ड्रॉप, परफॉर्मेंस इश्यूज, लेटेंसी कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा जस्ट लाइक नॉर्मली माउंट करने से मिलता है। तो ये बेसिकली एक न्यू टाइप का इंस्टॉलेशन है, कुछ तो हटके है, मेन स्ट्रीम होने में इसको टाइम जा सकता है। तो बात करूंगा मैं अगर आपको ये किट जो है, ये किट अगर आपको लगाना है तो ये किट कैबिनेट के साथ नहीं आता है, तो आपको ये अलग से परचेज करना होता है। ये जो वर्टिकल माउंट का जो किट है, ये किट आता है 6500 रुपीस का। तो आप उसके साथ में आपको PCIe Gen 4 राइजर केबल मिल जाता है, माउंटिंग किट भी मिल जाता है। फिर बात करूंगा मैं ये कैबिनेट की। ये कैबिनेट है लियान ली का O11 डायनेमिक EVO बोलते हैं इसे। तो ये कैबिनेट का कॉस्ट है 15,500, प्रीवियस के इससे थोड़ा ऊपर है, अराउंड 2,000 to 3,000 का डिफरेंस है। बट इसमें जो मॉड्युलैरिटी है, इसमें जो आपको बिल्ड करने में मजा है, मुझे तो पहली बार आया ही। तो मैं बोल सकता हूँ अगर जो भी आपके व्यूअर्स जो भी ये कैबिनेट लेते हैं तो उन्हें काफी कंफ्यूजिंग भी होगा, बट वो जब बिल्ड करेंगे तो उन्हें अलग ही मजा आएगा। लाइक समझिएगा ये 15,000 हम लोग इतना पे कर रहे हैं, 15,000 रुपीज के वर्थ है कि नहीं ये भी समझ जाएगा लोगों को। प्लस मुझे एक चीज बहुत लोग अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, आपने जो GPU का वर्टिकल माउंट लगाया है वो बीच बीच में लाइक इंटरट्वाइन हो रहा है वायर्स के बीच में, वो जरा मैसी दिख रहा है, तो इसके साथ इसका कोई सोल्यूशन है? लियान ली और एक क्लेम करता है कि इसका भी और एक बड़ा माउंट आता है, तो वो क्या रहता है? देखिए एक्सटर्नल माउंट अगर आप देखेंगे तो फॉर द साइड माउंट, अगर इस कैबिनेट की बात करूं मैं तो साइड माउंट के लिए आपको सिर्फ एक ही माउंट आता है, इससे बड़ा कोई माउंट नहीं आता है। बिकॉज आप जब अगर देखते हो ये जो माउंट है, ये माउंट सिर्फ यहाँ तक ही अवेलेबल है, इससे कोई बड़ा माउंट नहीं आता है। वो जो आप दूसरा जो माउंट देखते हो वो वर्टिकल माउंट आता है जो आपको साइड में आप GPU लगा सकते हो, मतलब अगर आप जो हॉरिजेंटली जो लगाते हो वो आप ऐसा साइड में लगा सकते हो। बट ये काइंड ऑफ जो अपराइट, इसे वर्टिकल मैं नहीं बोलूंगा, इसे अपराइट GPU किट बोलते हैं। वर्टिकल GPU माउंट एंड अपराइट GPU माउंट में काफी डिफरेंस है, अगर आप चेकआउट करते हैं उनकी वेबसाइट पे भी तो आपको डिफरेंस उसका समझ जाएगा। तो अभी आते हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइस के ऊपर। ग्राफिक कार्ड का प्राइस अभी कैसा चल रहा है, क्योंकि हम लोग ने ASUS TUF यूज किया है, ASUS TUF जरा प्रीमियम हो गया, और 3080 Ti में अभी सबसे सस्ता ब्रांड कौन सा चल रहा है? देखिए 3080 Ti में अगर मैं बात करूं तो सस्ता ब्रांड Inno3D आता है, बट हम Inno3D ज्यादा करते नहीं है। वी एक्चुअली प्रीफर टू गिव द बेस्ट मॉडल टू कस्टमर्स। ऐसा नहीं है कि Inno3D में नहीं आता है, Inno3D में भी iChill X4 आता है, iChill X3 आता है। तो iChill X4 इज द बेस्ट मॉडल इन Inno3D। उस हिसाब से प्राइस पॉइंट अगर मैं देखूं 3080 Ti का, तो 3080 Ti का प्राइस काफी डाउन हो गया है, अराउंड MSRP आ चुका है, अराउंड 1,05,000 1,10,000 के करीब आ चुका है। एज दिस इज अ टफ गेमिंग ASUS का कार्ड है तो थोड़ा प्रीमियम मार्कअप हो जाता है, बट अगर आप यही दूसरे ब्रांड्स में देखते हैं तो अराउंड 1,20,000 1,15,000 तक का प्राइस ड्रॉप हो चुका है। ओके, तो अभी आते हैं पूरे पीसी बिल्ड के प्राइस के ऊपर। ये पूरा पीसी बिल्ड हमें कितने में पड़ता है? देखिए ये पूरा पीसी बिल्ड एज फार एज आई यू नो रिमेम्बर जो मैंने कोटेशन कस्टमर को दिया हूँ, ये पूरा पीसी बिल्ड आपको 3 lakhs में पड़ता है। 3 lakhs में पूरा कस्टमर को मिल गया है, एंड इसमें कस्टमर को डिलीवरी भी इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एंड जो भी इंस्टॉलेशन है उनके घर पे प्रॉपरली हो जाता है। लाइक 3 lakhs फॉर 3080 Ti, इट्स नॉट बैड, क्योंकि इट्स नॉट बैड बिकॉज़ आप अगर ग्राफिक्स कार्ड का ही प्राइस देखते हो तो 1,30,000 हो जाता है। उसमें जो हाई एंड कंपोनेंट्स है जैसे लाइक i7 उसका ही आपका 35,500, आपका मदरबोर्ड का 25,500, तो यहाँ पर ही आपका 60,000 अराउंड 1,70,000 1,80,000 आपका यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। और गाइस अगर आपको ऐसे ही हाई एंड पीसीज बिल्ड करने रहेंगे तो अरनान सर को जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओमकार भाई हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ओमकार भाई को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, संडे को आप आए हो, काफी मेहनती है, तो सब्सक्राइब टू ओमकार भाई चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप अरनान सर के साइट को भी
विजिट कर सकते हो इजी पीसी सॉल्यूशंस पे। सारे प्रोडक्ट्स अदनान सर जितने भी हम लोग ने पूरे पीसी बिल्ड में यूज किए ये आपके साइट पे लिस्टेड रहेंगे? यस, सारे के सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। सिर्फ स्टॉक अवेलेबिलिटी अगर मैं बोलूं तो स्टॉक अवेलेबिलिटी वेरी करता है बिकॉज काफी चीजें जैसे कि ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट अराउंड 1 मंथ बाद आया है इन स्टॉक क्योंकि कंटेनर्स के काफी इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज चाइना में लॉकडाउन सिचुएशन है तो कंटेनर्स के काफी इश्यूज चल रहे हैं तो प्राइजेस फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। एज फार एज आई नो कि प्राइजेस ठीक ही रहने वाले, कुछ इश्यूज नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। गाइस ये था पूरा वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस, बाय बाय।